तो चलिए आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड व्हाट आर द रूल्स। एक बार और देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, हाउ वी डिफाइन। ठीक, तो इसके देखिए इसकी ध्यान सुनिए क्या होती डिफिनेशन। ठीक, तो यह कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दो डिजिट्स इन मेजर्ड क्वांटिटी व्हिच आर नोन रिलायबली आर अबाउट टू अबाउट व्हिच वी हैव कॉन्फिडेंट इन आवर मेजरमेंट। क्या बोल रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए मेजरमेंट। ठीक, इन दैट मेजरमेंट इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी जो जिसमें हम पूरा कॉन्फिडेंट हैं। ठीक, और इसमें क्या होती है, और इसमें एक आती है अनसर्टेन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, जो कौन सी अनसर्टेन है और किसमें हम कॉन्फिडेंट हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। उसमें नहीं है ना, देखो भी एग्जाम्पल क्लियर होता है। ठीक है, वंस अगेन एक बार और देखिए क्या होता है, इसमें कह रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है कि दो डिजिट्स इन मेजरमेंट क्वांटिटी या मेजर क्वांटिटी व्हिच आर क्या हो गया, व्हिच आर रिलायबली, जिसमें हम रिलायबल हैं और एट व्हिच वी हैव कॉन्फिडेंट इन आवर मेजरमेंट प्लस वन एडिशनल डिजिट इज अनसर्टेन। मतलब देखिए जैसे मान लो क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एक स्केल है, क्या है एक मान लो पास स्केल है, समय क्लियर हो जाए स्केल है। अब इस स्केल में क्या होता है, इस स्केल में यहाँ क्या हो गया, ये जीरो हो गया, ये वन टू थ्री फोर फाइव कर लो ना, फिर वन टू थ्री फोर फाइव, ये वन सेंटीमीटर हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ये टू सेंटीमीटर हो गया है, ऐसे लगे इस पर। ठीक है, अगर मान लो आपको कितना मेजर करना है, सपोज दैट मेजर करना आपको 1.3 मेजर करना है, कितना 1.3, देखो यहां से ये पूरा क्या है, जीरो से कितना, ये पूरा कितना हो गया, यहाँ तक हो गया 1.3 हो गया, यहाँ तक ना कितना हो गया 1.3 हो गया। फिर क्या मेजर करना, 1.4 मेजर करना है, देखो यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा ये क्या हो गया 1.4 हो गया नीचे वाला। ठीक है, इन दोनों डिजिट हम पूरा कॉन्फिडेंट है, अगर इस स्केल से जो सिंपल स्केल होती है इफ बी मेजर्ड 1.3 देन वी हैव फुल कॉन्फिडेंट मेरा वैल्यू सही है। इसी क्या मेजर कर रहे हो 1.4 देन अगेन कॉन्फिडेंट है सही है, लेकिन इसी स्केल से क्या मेजर कर रहे हैं, अगर मेजर करना हो गया 1.32 मेजर करना है, 1.36 मेजर करना है, देन क्या है उस कंडीशन पे एक अंदाज इसके बीच में जो हमारा एक पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ क्या हो गया, जैसे यहाँ क्या, यहाँ पे हो गया 1.3 हो गया, यहाँ 1.4 हो गया, तो यहाँ अंदाज बोल देंगे इसी दोनों के जो मिलीमीटर के बीच में अंदाज में हम 0.2 या 0.3 या 0.6 लगा देंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि द डिजिट 1.3 ये फुल क्या है, पूरा पूरा कॉन्फिडेंट है, 1.3 क्या हो गया 1.4 पूरा कॉन्फिडेंट है, लेकिन क्या है, लेकिन 1.32 क्या जो तुम्हारा 2 है दैट इज अनसर्टेन। तो एक आप क्या हो गया, तो एमआरई कितने किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट में उसके मेजर करने में कितनी हमारी रिलायबल नंबर्स हैं, कितनी हमारी रिलायबल डिजिट हैं, रिलायबल डिजिट और कौन से कॉन्फिडेंट डिजिट प्लस क्या है प्लस वन सर्टेन डिजिट, इन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर। आई विल क्लियर कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है, इसमें कितने कॉन्फिडेंट नंबर हैं प्लस क्या है वन अनसर्टेन डिजिट। यहाँ 1.3 क्या है कॉन्फिडेंट है, 1.4 क्या कॉन्फिडेंट है, बट यहाँ जो डिजिट 2 आ रही है ये क्या है अनसर्टेन है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। कितना है 3 हो जाएगा। अब देखिए इसे कुछ रूल है, रूल फिर रिवाइज के ध्यान से क्या क्या है यहाँ लिखा गया है। पहला रूल क्या है, एग्जाम्पल ध्यान रखिए और इसी एग्जाम्पल के बेस पे हमें क्या करना है, याद करना है। क्यों, आप देखिए सारे रूल इकट्ठा हो जाए वो थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हर रूल पढ़िए किसी में 4 दिया, किसी में 5 दिया, किसी में क्या 60 दे दिया है। ठीक है, अगर सभी रूल नहीं क्लियर हैं तो कौन सा क्वेश्चन कहाँ रहेगा वो गलत हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे पहला रूल क्या है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, याद रखिए इसको। ठीक है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकंड देखो क्या होता है, इसे देखिए कितने हैं, इसमें 8 हैं, इसमें कितने हो गए आपके 5 हैं, सभी नॉन जीरो बहुत आसान है। इसमें देखना भाई हमको है कि किन किन कंडीशन पे जीरोज होते हैं
वो सिग्निफिकेंट होता है, किन किन कंडीशन पे जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में कोई छोटा क्वेश्चन आएगा ना, बहुत छोटा क्वेश्चन आएगा, अगर मान लीजिए इसमें रूल नहीं याद है, कोई एक रूल फिसल गया और मान लीजिए उसी क्वेश्चन पूछ लिया, तब क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन तुरंत आंसर हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना है। ठीक है, तो सेकंड क्या हो गया हमारा, ऑल इन क्या, ऑल द जीरोज, सभी जीरो क्या है, जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएंगे वो सारे क्या होते हैं, ऑल द जीरोज व्हिच आर लाइज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो ये सभी जीरो क्या आ रहे हैं, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, कितना हो गया, इसमें कितना जोड़ लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखिए जीरो किस कंडीशन नहीं होगा, देखो इस कंडीशन देखिए, यहाँ पे यहाँ जीरो सभी सिग्निफिकेंट हैं, यहाँ क्या है, ऑल द जीरो व्हिच आर राइट टू नॉन जीरो डिजिट, ध्यान रखिए, व्हिच आर राइट टू नॉन जीरो डिजिट एंड बट लेफ्ट टू अंडर स्टूड डेसिमल पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडर स्टूड डेसिमल पॉइंट, यहाँ डेसिमल पॉइंट है नहीं जबकि अंडर स्टूड है, इसके बाद इस बार नंबर खत्म हो जा रही हमारी ना, तो जो जीरो अंडर स्टूड डेसिमल पॉइंट के कहाँ पे हैं, लेफ्ट में है, और नॉन जीरो के राइट में है, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये नहीं होगी। ठीक है, क्या हो गया, क्रॉस मिक्स क्या हो गया, नॉट सिग्निफिकेंट, इसे कितने है, 4 हो गया। यही देखिए, इफ दिस मेजरमेंट इज गिव, क्या हो गया, इफ दिस क्वांटिटी गिवन अ मेजरमेंट, यही सेम क्वांटिटी क्या है, अगर कोई मेजरमेंट दिया जैसे क्या हो गया, इतना सेकंड हो गया, ठीक, तो उस कंडीशन पे सिग्निफिकेंट हो जाएगी। देखो यही यहां नहीं, यहां हो गया। अगला क्या है, अगर यही जीरो क्या है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है, मैंने ऑल जीरो व्हिच आर राइट टू नॉन जीरो डिजिट एंड लेफ्ट टू डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है और नॉन जीरो डिजिट के राइट में है, तो उस कंडीशन पर अगेन क्या सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ये तीनों कंडीशन बहुत माइंड डिफरेंस है, इसको डिफरेंस ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्या है, नेक्स्ट तीन वाला हो गया, जैसे यहां देखिए क्या दिखाया जा रहा है, जैसे यहां दिखाया जा रहा है कि ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, क्या होता है, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, और क्या होता है, आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए दिया 1.61 मीटर दिया है, ठीक है, या 1.60 मीटर दिया है, या क्या हो गया 1.60 मीटर दिया गया है, यहाँ कितना हो गया, यहाँ सिग्निफिकेंट 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है ना, तो इस पर डिपेंड साथ साथ लिस्ट काउंट किया दिया जाता है, तो ये सारे क्या है, मैंने जो जीरो पॉइंट के राइट हैंड साइड में होगी वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। यहाँ देखिए क्या है, नेक्स्ट ऑल द जीरोज व्हिच आर राइट टू डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट टू नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ सिग्नि नहीं है और क्या था इसमें नहीं है, ध्यान रखिए। अगला क्या है, इफ द चेंज क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कोई यहाँ 3 है, इसको बता मीटर में तो भी 3 है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, 164 इसका क्या है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेंगे। अगला क्या है, अगर मान लीजिए क्या है, अगर कहीं पे 10 की पावर आ रही है तो 10 की पावर जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं ली जाती, ध्यान रखिए, जो 10 की पावर्स होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं ली जाती है, तो क्या हो गए, इतने आपके रूल हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स के। ठीक है, अब क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन सब्ट्रैक्शन और उसके क्या रूल है, तो सिंपल रूल है, ध्यान रखिए रूल समझना आपको, देखो ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या लिया, फिगर्स नंबर 1 इसमें इन एडिशन में, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम रूल है, एंड सब्ट्रैक्शन किया हुआ रूल, देखो सेम रूल क्या है, रूल आपका इसे जो नंबर ऐड की जाएगी, इसमें जैसे कोई नंबर ले लिया आपने, जैसे लिया 3.26 लिया, ये हो गया 46.3521 हो गया, और हो गया मान लीजिए क्या है 2.25612 हो गया। ठीक है, ऐसे माइनस ले सकते हैं, ठीक है, जो माइनस क्या हो गया 4.25 हो गया माइनस, तो माइनस को दही नंबर रहेगी जोड़ा है ना, माइनस हो कितना हो गया, माइनस हो गया मान लीजिए 2.1356 का, तो ये लीजिए। ठीक है, देखिए इसको ऐड करेंगे, अब ध्यान समझिए रूल, यहाँ इसको ऐड कर, पहले ऐड कर लीजिए, यहाँ 0 यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ क्या 10 16 आ जाएगा, यहाँ 3 2 5 2 7 1 8 आ गया, यहाँ कितना आया 3 9
एक 10 आ जाएगा, एक 5 आएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, नहीं तो 11 हो गया भाई। यहाँ पे कितना हो गया, 11 हो गया, सही है। चेक कर लो एक बार, यहाँ पे क्या 3 2 5 7 सही है, ठीक। यहाँ तो कितना आ गया, यहाँ 0 अंडरस्टूड है, आप 0 अंडरस्टूड भाई लिखा नहीं, 0 अंडरस्टूड है यहाँ की। तो यहाँ क्या होगा, 10 माइनस किया 6 कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ आ गया, फिर अगेन 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ कितना 2 आ गया, ठीक है। ये नंबर हमारी अभी, अब ध्यान क्या देना है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के आधार आंसर लिखना है। जो आंसर होता है, देखिए इसमें जो आंसर लिखा जाएगा वो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में, तो क्या बोले, डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में किसमें सबसे कम डिजिट है, क्या देखेंगे, डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में सबसे कम डेसिमल डिजिट किसके में किसमें है। देखिए यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ कितना 4 है, यहाँ कितना है 5 है, आंसर क्या हो गया, आंसर रहेगा सबसे कम किसमें है, 2 है, आंसर है केवल 2 डिजिट में। इसमें क्या होगा, यहाँ से बाकी 3 डिजिट क्या गया, इसे राउंड ऑफ कर देना है, मीन्स स्पेशली क्या 8 को राउंड ऑफ करोगे, सारा सारा क्या राउंड ऑफ हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, यहाँ जो आएगा करेक्टर सम, क्या आ गया करेक्टेड जो सम आएगा कितना गया 51.8 भाई, ये नंबर क्या भाई ज्यादा है, क्या होगा इसमें क्या कर दो, क्या कितना आएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। माइनस में जब क्या आ जाएगा, यहाँ क्या करना है, यहाँ हो गया करेक्टेड डिफरेंस, ये कितना देखिए यहाँ पे फिर अगेन क्या 2 डिजिट है, आंसर के 2 में आना चाहिए, ये नंबर 4 क्या 4 जो है 5 छोटी हो गई, राउंड अप 4 दिया जाएगा, तो कितना आ गया, ये हो गया 2.1 हो गया। दिस इज द आंसर, किसके लिए हो गया, ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ऐसे दूसरा क्या लेते हैं, सेकंड अगर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन में, हम सेम रूल है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन एंड ये दोनों सेम रूल है, क्या भाई सेम रूल है, ध्यान दीजिए। जैसे मान ली कोई नंबर इसे दिया 1.5 इंटू क्या दे दिया 2.52 इंटू क्या कोई नंबर ले लीजिए 1. क्या हो गया 0.03 दे दिया, इंटू करेंगे देखो कितना आ जाएंगे, देखो फट से इंटू बता बताइए फिर कितना आ जाएंगे, क्या आ जाएगा इंटू किया गया कितना आ गया, अप्रॉक्सीमेट इंटू कर लिए साइड में आना चाहिए 3.791340। इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखो किस नंबर में सबसे कम डिजिट है, यहाँ देखो यहाँ ये सॉरी किस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, नहीं यहाँ कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट है, यहाँ कितना 3 सिग्निफिकेंट है, यहाँ कितना 4 सिग्निफिकेंट है, हमारा जो आंसर आएगा जिसमें सबसे कम नंबर आप क्या होते सिग्निफिकेंट, इसमें तो यहाँ 2 है ना, आंसर कितना चाहिए केवल 2 डिजिट, या केवल 2 डिजिट आना चाहिए, या केवल 2 सिग्निफिकेंट आने चाहिए, ठीक है। अगर 2 सिग्निफिकेंट आना चाहिए क्या हो गया है, यहाँ से 9 बार क्या राउंड ऑफ हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो गया, यह हो गया देयरफॉर, यह हो गया करेक्टेड ना, करेक्टेड जो हमारा प्रोडक्ट आएगा या मल्टीप्लाई जो आया हमारा कितना आया, मल्टीप्लाई हो गया 3.8 आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना, थोड़ा छोटी सी बातें हैं लेकिन ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया इन डिवीजन एंड क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलिए छोटा रूल और थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या, नेक्स्ट है राउंड ऑफ का रूल क्या होता है, रूल फॉर राउंड ऑफ क्या हो गया, रूल्स फॉर राउंड ऑफ, ठीक है। ये क्या वही रूल होता है, इसके लिए सिंपल सा छोटे रूल है इसमें, देखिए पहली बात का नंबर एक, इसमें कुल कितने रूल है, 5 रूल्स है, ध्यान रखिए कुल 5 रूल है, 5 ध्यान रखना है, ठीक। कोई नंबर जिसको क्या है, नंबर एक क्या है, किसी कोई ऐसी नंबर जिसको हमको राउंड ऑफ करना है, अगर वो नंबर 5 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, उसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं, क्लियर हो गया शायद। जैसे मान लीजिए अभी आप 4 दिया है, 2.3 हो गया, 3.5.6 कोई नंबर है, हमें यहाँ 6 को राउंड ऑफ करना है, ठीक। अगर ये नंबर 5 ज्यादा है तो इसके पहले वाले में क्या एक जोड़ देंगे, थोड़ा क्लियर यहाँ 4 लिख दिया, जिसे सिक्स आ गया, तो क्या करेंगे भाई, ये नंबर जिसको 6 को राउंड ऑफ करना है इसके पहले जुड़ जाएगा, कितना आएगा, ये हो गया 4.23.835 आ गया, ठीक। वही नंबर लीजिए, जैसे दे दिया 2.6293 आ गया, हमें क्या है 9 हटाना है, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.63 आ जाएगा। चलिए ये पहला रूल हो गया। सेकंड रूल क्या होता है कि जिस नंबर को हटाना है अगर वो नंबर 5 से कम है तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, उसके पहले वाले नंबर कुछ भी नहीं जुड़ेगा, तो आप क्या हो गया 3
36.235 करना, मान लीजिए आपको यहाँ 3 को हटाना है, ये नंबर क्या है, ये नंबर 5 से कम है, इसको छोड़ दिया जाएगा, कितना आ गया 36.2 आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा रूल देखो, ध्यान रखिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू क्या, जिस नंबर को हटाना है या जिस डिजिट को रिमूव करना है, राउंड ऑफ करना है, अगर नंबर 5 ज्यादा है तो एक ऐड हो जाएगा, 5 से कम है इसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगला क्या है, अगला है अगर मैंने जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है, अगर वो नंबर 5 हो तब क्या होगा, इसके 3 रूल है, ध्यान देना है। पहला क्या है, जैसे जिसको मान लिया क्या है, अगर मान लीजिए दिया 35 या 356, पॉइंट कितना हो गया, यहाँ हो गया 9253 दे दिया, 5 हटाना है, ठीक है। देखिए इनसे कोई इन एग्जांपल में क्या कुछ क्या दिख रहा है, जैसे दे दिया 256 पॉइंट, यहाँ 9 क्या हो गया, यहाँ हो गया 945 दे दिया, ठीक है। या कितना हो गया, ये हो गया 423.975 दे दिया, ठीक है। देखो तीनों में क्या दिखाई पड़ रहा, पहले में क्या है, पहले में 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है, तो अगर हमको देखें अगर 5 को राउंड ऑफ करना है, देखिए 5 6 कम वैल्यू राउंड ऑफ करना है छोड़ देंगे, जिसको राउंड ऑफ करना 5 ज्यादा हो गया जोड़ देंगे, लेकिन क्या है अगर हमको 5 को ही राउंड ऑफ करना है, इन दैट केस अगर 5 के बाद क्या नॉन जीरो डिजिट है, ध्यान देना, अगर 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट है तब तो यहाँ क्या करेंगे, उस कंडीशन में उसकी प्रीसीडिंग नंबर में एक ऐड हो जाएगा, कितना आ गया, ये 93 आ गया, ठीक है। और अगर 5 के बाद क्या जीरो है या कुछ भी नहीं है, हाँ अगर कुछ भी नहीं क्या अंडरस्टूड है, जीरो है, अगर 5 को राउंड ऑफ करना है, 5 के बाद कुछ भी नहीं है, क्या हो जाएगा इसके माइंड उस कंडीशन पे, तब अगर इसके पहले क्या है, अगर इसके पहले हमारा इवन नंबर है तब तो 5 छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर ऑड नंबर है तो यहाँ पे 1 मोर ऐड कर देंगे, ये ध्यान दीजिए। मीन्स यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 256.4 क्या हो गया, 0.94 ही आंसर, क्योंकि यहाँ इवन नंबर हो गया, यहाँ कितना हो गया 423 पॉइंट कितना हो गया 9 कितना हो गया 8 आ जाएगा, क्लियर हुआ। अगर 5 राउंड ऑफ करना है तो अगर 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है यहाँ एक ऐड हो जाएगा, 5 के बाद कोई नंबर नहीं है उसके पहले इवन नंबर है 5 छोड़ दिया जाएगा, 5 के बाद क्या कोई नंबर नहीं है उस बोले ऑड नंबर है तो यहाँ पे क्या करेगा, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दिया जाएगा, दिस इज द रूल फॉर द राउंड ऑफ, ओके, ठीक है। ऑर्डर ऑफ यूनिट क्या हो गया, कि ऑर्डर ऑफ यूनिट हमारी जो है कोई नंबर गिवन है किसी नंबर को 10 की पावर में रिप्रेजेंट करना ही क्या है, ऑर्डर ऑफ यूनिट है। क्या करना हमको, पहले उनको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर क्या करिए, या 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर दीजिए, दैट इज क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ यूनिट, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए करते रहिए, करिए उसको मिल जाएगा। हमें क्या था, किसी नंबर क्या करना, किसी नंबर को हमें 10 की पावर में रिप्रेजेंट करना ही क्या है, ऑर्डर ऑफ यूनिट है। जैसे मतलब क्या हुआ, सपोज जैसे हमारे पास कैसे दिया 9.1 × 10⁻³ क्या है, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या करना है इसको हमको ऑर्डर ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो यहाँ मल्टीप्लायर है, मैंने ये किया, जो हमारा मल्टीप्लायर है 9.1 जो 10 का मल्टीप्लायर है, क्या क्या दिखेगी, अगर ए नंबर क्या आता है, पहली बात तो कोई नंबर दी जाएगी उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ के स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया कि जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद होनी चाहिए, वही आपकी स्टैंडर्ड। जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे यहाँ दे दिया क्या, जैसे दिया 638.25 × 10⁻³ क्या दिया, 3 दिया है, क्या करेंगे, जब यहाँ पॉइंट कहाँ चाहिए, 6 के पहले आना चाहिए, 6 के बाद आना चाहिए, पॉइंट कहाँ, इधर आएगा पीछे आएगा ना, तो यहाँ 6.38 आएगा, 3825 आ गया, इंटू 10⁻³ कितना हो गया, यहाँ 2 ऐड हो गया। ध्यान देना है कि पॉइंट अगर कहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, पावर क्या होती है, तो पावर जाएगी पॉजिटिव बढ़ेगी, ठीक है। अगर पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो रहा है, पॉइंट शिफ्ट हो रहा है राइट हैंड साइड में, पावर क्या होती है, नेगेटिव में, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। जैसे दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे दिया है 0.005368 10⁻³ क्या दिया है, मान लीजिए यहाँ 6 दिया है, पॉइंट कहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड में, यहाँ क्या हो गया 5.38 हो जाएगा,
इंटू टेन पावर कितना हो गया 6 माइनस क्या हो जाएगा 3 क्योंकि पॉइंट कहाँ जा रहा है 3 पॉइंट कहाँ गया राइट हैंड साइड में ठीक है तो राइट गया क्या हो गया ध्यान रखिए राइट जाने क्या होता है निगेटिव लेफ्ट जाने क्या होता है पॉजिटिव तो ध्यान रखिए जितने डिजिट आगे बढ़ेगा पावर क्या उतने डिजिट क्या हो गया उतने नंबर प्लस या माइनस हो जाएगा क्या माइनस होता है इफ पावर शिफ्टेड सॉरी इफ डेसिमल पॉइंट शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड देन द पावर क्या पावर इंक्रीज इन निगेटिव यहाँ क्या देखो माइनस 3 बढ़ गई यहाँ पे ठीक है अगर पावर कहाँ जा रही है और पॉइंट शिफ्ट हो रहा है कहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ठीक है तो उस कंडीशन पावर क्या होती है पॉजिटिव हो जाएगी। नंबर एक पहला क्या कोई नंबर दिया गया है उसका निकालना है ऑर्डर ऑफ यूनिट पहले उसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म यही वाला क्या है इसी बोलते हैं जब पॉइंट पहुंच जाएगा 1 डिजिट के बाद ठीक है साथ साथ क्या हुआ अब यहाँ राउंड ऑफ किया जाएगा जैसे मान लो इसको और लिखना है अगर बोल जाए कि सो राइट जाए स्टैंडर्ड फॉर्म तो राउंड ऑफ में सारा हट जाएगा क्या बचेगा देखो यहाँ 8 जाइए 8 राउंड ऑफ कर दीजिए 6.4 × 10^5 क्या स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया जैसे यहाँ क्या स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा 5.4 × 8 ज्यादा 5 से है स्टैंडर्ड फॉर्म कितना हो गया 3 स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ठीक। अब क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद जो नंबर है अगर ए नंबर हमारा मल्टीप्लायर है माने क्या है इफ मल्टीप्लायर ध्यान रखिए मल्टीप्लायर ऑफ 10 क्या हो गया ऑफ 10 इज कितना भाई 8.5 से ग्रेटर है और क्या मान ली भाई कोई मान ली वैल्यू एन है क्या वैल्यू क्या एन है एंड लेस देन कितना है लेस देन 5 है इससे ग्रेटर या इक्वल भी चलेगा ठीक है हाँ यहाँ 0.5 बल्कि हम 0 मान सकते हैं कोई भी वैल्यू होगी तो उस कंडीशन पे पावर यहाँ क्या होगी इंक्रीज होगी देन पावर क्या होती पावर ऑफ 10 इंक्रीज बाई कितना हो गया 1 अगर इसे छोटा है बाई 1 ठीक अदरवाइज क्या हो गया अदरवाइज नो इंक्रीज ऑफ पावर नो इंक्रीज ऑफ क्या हो गया अदरवाइज पावर में कोई इंक्रीज नहीं होता है याद रखिए इसको क्लियर हो जाएगा ठीक है इसमें कितना हो गया यहाँ पे यहाँ 9.1 ज्यादा इससे है 5 से यहाँ क्या हो गया इसमें इसका हो गया ऑर्डर ऑफ कितना हो गया वहां क्या इसका हो गया ऑर्डर ऑफ यूनिट जो कितना हो जाएगा ये हो गया हमारा 10^-31 + 1 कितना हो गया -30 हो गया ठीक है वहां केजी है यहाँ केजी हो जाएगा तो इसका क्या निकालेंगे ऑर्डर ऑफ यूनिट हो गया सिग्निफिकेंट फिगर बताया हमने राउंड ऑफ बताया तो डिफरेंट रूल्स हैं ओके भाई चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स और क्या बोलते हैं इसको कैसे कैसे इसे लगते मेजरमेंट ओके ना।